कुछ दुकानों के आग के हवाले करते दिखे दंगाई, पुलिसकर्मी भी जान बचाकर छिपते नजर आए। मकानों की छत पर दिखी उपद्रवियों की फौज, कुछ खास घरों को निशाना बनाकर किया गया पथराव। खरगोन में हिंसा वाले दिन, सड़क पर बेखौफ दिखे दंगाई, जाम मस्जिद के पीछे जमकर हुआ बवाल। दंगाइयों के हाथों में खुलेआम लहराती दिखी तलवार, घंटों तक गली मोहल्लों में फैलाई दहशत। दंगाइयों के हमले में घायल हुआ 16 साल का शिवम, अब भी आईसीयू में। खरगोन में दंगों के बाद पुलिस की ज्यादती के मामले में कैद, कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने पर युवकों को बुरी तरह पीटा। 7 से 8 पुलिसकर्मियों ने एक युवक को जमीन पर गिराकर पीटा, पीड़ितों के शरीर पर अब भी लाठियों के निशान। कर्फ्यू के चलते आज खरगोन में घरों में ही पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज, मुस्लिम संगठनों ने जताई सहमति। खरगोन हिंसा के दोषियों को सीएम शिवराज सिंह की चेतावनी, आज तक से कहा जाति धर्म के नाम पर नहीं मिलेगी माहौल बिगाड़ने की छूट। दिल्ली में जेएनयू कैंपस के बाहर लगे भगवा झंडे, हिंदू सेना नाम के, इसमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। अलग अलग दिल्ली में जेएनयू कैंपस के बाहर लगे भगवा झंडे, हिंदू सेना नाम के संगठन की कार्रवाई। भगवा झंडों की खबर मिलते ही हरकत में आई दिल्ली पुलिस, आनंद फानंद में हटाए गए सभी पोस्टर बैनर। लाउडस्पीकर से अजान को लेकर विवाद है जारी, वाराणसी में छत पर हनुमान चालीसा का पाठ कर जताया विरोध। अलीगढ़ में शहर के किस चौराहों पर लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ की तैयारी कर रहा है एबीवीपी, प्रशासन से मांगी इजाजत। अजान के विरोध में खुलकर सामने आई बीजेपी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले जोर जोर से चिल्लाकर नहीं होती खुदा की इबादत। बक्सर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने साधा निशाना, बोले अजान के वक्त हनुमान चालीसा पढ़ना संविधान के खिलाफ नहीं। महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा विवाद पर उद्धव ठाकरे की चेतावनी, कहा नहीं बिगाड़ने देंगे प्रदेश का माहौल। बरेली में एक दुकान से बजे पाकिस्तान के समर्थन वाले गाने, घटना से तनाव का माहौल। पाकिस्तानी गाने बजाने पर लोगों ने पुलिस से की शिकायत, 2 लोगों पर केस दर्ज। भरतपुर में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम के दौरान हंगामा, तनाव के चलते भारी पुलिस बल की तैनाती। फिरोजाबाद में अंबेडकर प्रतिमा में तोड़फोड़ से तनाव, 2 अज्ञात युवकों ने की शरारत। भुज में पीएम मोदी ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया लोकार्पण, कहा क्षेत्र के लोगों ने मेहनत से गढ़ा नया भाग्य। गोरखनाथ मंदिर हमले के सिलसिले में 4 और युवक एटीएस के रडार पर, 4ों का मुर्तजा बासी से है संबंध। मुर्तजा की तरह 4ों युवक सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी चैनल से जुड़े थे, एटीएस कर रही है पूछताछ। पूछताछ में आरोपी मुर्तजा का कबूलनामा, गोरखनाथ मंदिर में पुलिस वालों को मारकर मचाना चाहता था सनसनी। मुर्तजा पर यूएपीए लगाने की तैयारी, जल्द एनआईए के हवाले की जा सकती है जांच। विवादित संगठन पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी में केंद्र सरकार, कई आतंकी साजिशों से जुड़ चुका है कनेक्शन। जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 6 की मौत। बाड़मेर में दर्शन के लिए जा रहा था परिवार, हाईवे पर ट्रक से टकराई बुलेरो कार। कोटा में फुटपाथ पर चढ़ी बेकाबू कार, मजदूर की मौत, बच्चे की हालत नाजुक। राजस्थान के सिरोही में अज्ञात बीमारी का कहर, 2 बच्चों की मौत से हड़कंप। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम के दौरान बवाल, 2 गुटों में मारपीट। सुपौल में बर्ड फ्लू से दहशत, संक्रमित पक्षियों को किया जा रहा है नष्ट। असम के कामरूप में 42 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। बेंगलुरु में अचानक आई तेज बारिश से बिगड़े हालात, घरों में घुसा पानी। बाराबंकी पहुंची उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की विशेष ट्रेन, स्टेशन से लेकर घर में कड़ी सुरक्षा। विशेष ट्रेन के जरिए आज अयोध्या पहुंचे उपराष्ट्रपति, रामलला के करेंगे दर्शन। बाराबंकी की पूर्व डिप्टी जेलर के आवास से बना अश्लील वीडियो वायरल, महिला अफसर के पति पर आरोप। समस्तीपुर में नवजात की मौत पर हंगामा, परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। सोनीपत में इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम में आग, लाखों कीमत की बाइक जली। हमीरपुर में गुटखा कारोबारी के ठिकानों पर जीएसटी का छापा, करीब 6.5 करोड़ कैश बरामद। अलवर में जमीन विवाद में 2 गुटों में झड़प, गोलीबारी में 3 जख्मी। नोएडा और गाजियाबाद के बाद दिल्ली के स्कूलों में बढ़ने लगे कोरोना के मामले, मनीष सिसोदिया बोले हालात पर है सरकार की नजर। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को जारी की गाइडलाइंस, कोरोना के मामले आने पर तुरंत सूचना देने और स्कूल बंद करने का निर्देश।
कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम केजरीवाल ने लोगों को दिलाया भरोसा, बोले हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली सटे नोएडा में भी बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 43 मरीज आए सामने। महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 103 नए मरीज, 5 लोगों की गई जान। दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की ने की खुदकुशी, सीआईएसएफ जवानों की सूझबूझ से जान बचाने की कोशिश। मध्य प्रदेश के शहडोल में लोगों ने पेट्रोल पंप पर फेंका पेट्रोल बम, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लखनऊ में बेकाबू कार ने सड़क पर खड़े लोगों को रौंदा, एक की मौत। वाराणसी में साड़ी फिनिशिंग कारखाने में भीषण आग, 4 की मौत। बिहार के सीवान में ग्रामीण बैंक से करीब 26 लाख नकद की लूट, बंदूक की नोक पर वारदात को 4 लुटेरों ने दिया अंजाम। हापुड़ में हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष ने सिपाही को मारा थप्पड़, गिरफ्तार कर भेजा जेल। मेरठ में एक महिला की बेरहमी से की गई हत्या, पति ने सिर पर हथौड़ा मारा, चाकू से गला काटा और खुद ही पहुंचा थाने। गुरुग्राम में थाने के अंदर घुस लेता एएसआई गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ दबोचा। उदयपुर में भीषण सड़क हादसा, पिकअप वैन पलटने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत, कुल 7 लोगों की मौत। समस्तीपुर मंडल में इतिहास के पन्नों का हिस्सा बनकर रह जाएगा डीजल इंजन, ज्यादातर रूट पर इलेक्ट्रिक इंजन से चल रही है ट्रेन। आईपीएल में गुजरात ने राजस्थान को हराया, पहले खेलते हुए गुजरात ने दिया था 193 रन का लक्ष्य। गुजरात कप्तान हार्दिक पांड्या बने जीत के हीरो, 87 रन पर नाबाद। अभिनव मनोहर ने भी की तेज बल्लेबाजी, 8 रन के साथ आईपीएल में टॉप पर पहुंचा गुजरात, राजस्थान के 6 अंक। कल बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की हुई शादी, चुनिंदा मेहमानों की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम। रणबीर की मां नीति कपूर ने उतारी बहू की नजर, शादी में करीना कपूर, करिश्मा कपूर, पूजा भट्ट, आकाश अंबानी रहे मौजूद। सामने आया रणबीर आलिया की वरमाला का वीडियो, परिवार वालों ने रस्म के दौरान रणबीर को कंधे पर उठाया। रणबीर आलिया की शादी के बाद जश्न का दौर, ढोल नगाड़ों के साथ मीडिया को बांटी गई मिठाई। भीषण गर्मी से दिल्ली वालों को राहत की उम्मीद, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी। मौसम विभाग का अनुमान, इस साल सामान्य रहेगा मॉनसून। शुरू हुआ हेमकुट साहिब मार्ग से बर्फ हटाने का काम, गोविंद घाट से रवाना हुए भारतीय सेना के जवान, 22 मई से शुरू होगी यात्रा।